हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग करेंगे किचन, ये ऑटोकैड का प्लान है हमारे पास। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये किचन को हम लोग काम करेंगे। इस किचन को कैसे हम लोग को प्लानिंग करना है एंड कैसे इसमें एलिवेशन करना है, आज मैं पूरा दिखाऊंगा इस वीडियो के थ्रू। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस किचन को पहले एक सेपरेटली मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको एक्सटेंड करके एंड इसको भी एक्सटेंड करेंगे कॉपी, ताकि मैं इसमें जो प्लानिंग करने वाले हैं और इसमें आपको मैं दिखाऊंगा एलिवेशन के थ्रू कैसे हमारा कैबिनेट्स कहाँ जाएगा, चिमनी कहाँ लगेगा, तो इसका मैं फुल वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो। तो इस वीडियो में बने रहे, मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग का ये मेज़रमेंट कितना है, कितना एरिया हमारे पास, वो हम लोग चेक करेंगे। तो लीनियर के थ्रू आप देख सकते हो कि हमारे पास 9 फीट बाई 6 फीट 8 इंच का हमारे पास एक एरिया है किचन का। तो इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ टेक्स्ट को। अभी हम लोगों को इसमें बनाना है हमारा काउंटर, तो ऑफसेट करेंगे हम लोग 2 फीट का इधर से। पहले हम लोगों को प्लानिंग करना पड़ेगा कि किस हिसाब से कहाँ पे हमारा काउंटर, कहाँ पे सिंक होगा, कहाँ चिमनी होगा, स्टोव कहाँ होगा। तो ये सब हम लोग पहले प्लानिंग के थ्रू देख लेंगे, फिर इसी को हम लोग बनाएंगे एलिवेशन के थ्रू कैबिनेट्स। तो ये मैं 2 फीट का रखता हूँ, यहाँ से 2 फीट का एरिया आ गया। इसको मैं सोच रहा हूँ एल करने का, एल शेप किचन, क्योंकि हमारे पास इधर पे स्पेस है तो इधर सिंक का एरिया हो जाएगा विंडो के बगल में, तो अच्छा रहेगा। तो मैं इसको एल शेप का किचन बनाना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी छोटा है, इसमें हम लोग कॉरिडोर या फिर आइलैंड किचन ही कर सकते, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग हमारे पास एल शेप का किचन करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके स्पेस के अकॉर्डिंगली। तो हमारे एल शेप का ये किचन है, तो अभी भी आप देख पाओगे एरिया आपका आराम से मिल जाएगा इसके अंदर में, आप बढ़िया से मूवमेंट हो जाएगा। 7 फीट का एरिया मिल जा रहा है आपको इधर से भी, आपका 4 फीट 8 इंच काफ़ी है। तो इसमें हम लोग को प्लेसमेंट करना है, हम लोग को अभी मेज़रमेंट को रहने देते हैं। यहाँ पे हम लोग सिंक लगा देंगे, क्योंकि हमारे विंडो के पास में तो ये एरिया अच्छा रहेगा सिंक के लिए। और तो मेरे पास सिंक का मॉडल्स है, मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ कॉपी। इसको करेंगे मिरर एंड किसी को कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं हर एक कमेंट का सेपरेटली आंसर करता हूँ। किसी को कोई वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हो। तो इस सिंक को मैं प्लेसमेंट करने वाला हूँ विंडो के बगल में। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आपका हो जाएगा गैस के लिए, तो मेरे पास ऑलरेडी इसका चूल्हा दिया हुआ है। इसमें मैं सोच रहा टॉल यूनिट, लेकिन ये आपके पास स्पेस छोटा है इसलिए हम लोग इसमें टॉल यूनिट्स नहीं दे सकते हैं। अगर काफ़ी बड़ा ही किचन होता तो मैं इसमें टॉल यूनिट्स के लिए भी स्पेस निकाल सकता था, लेकिन इसके अंदर में हम लोग यहाँ पे अगर दे दे 2 फीट का या 18 इंच का, तो देखता हूँ कितना, नहीं ये अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसमें टॉयलेट करने का ज़रूरत नहीं है, इस एंड क्लाइंट का भी इसमें रिक्वायरमेंट भी नहीं है टॉयलेट्स का, सिंपल किचन हम लोग कर रहे हैं इसके अंदर में। तो इस स्पेस में इतने ही ज़्यादा बेटर है, नहीं तो फिर अगर आप भर दोगे पूरा टॉयलेट्स का या फिर ज़्यादा कुछ, अगर इसमें हम लोग क्रॉकरी दे देंगे, यहाँ पर अगर हम लोग एक काउंटर भी दे देंगे तो काफ़ी ये क्लम्जी हो जाएगा। तो हम लोगों को ऐसे ही ठीक लगेगा सिंपल में। तो अभी हम लोगों को करना है इसके अंदर में इसका एलिवेशन। तो एलिवेशन के लिए पहले तो मैं क्या करूँगा, कमांड को बुलाएंगे XLI एंटर V एंटर, वर्टिकल में जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है इसके थ्रू हम लोग काम करेंगे, इससे क्या होगा आपका जल्दी काम बन जाएगा। लाइन से भी बहुत लोग करते हैं लेकिन वो काफ़ी टाइम लगता है लाइन ड्रॉ करने में, कंस्ट्रक्शन लाइन सबसे बेस्ट है, आप ये यूज़ कर सकते हो। एंड फिर इसमें हम लोग करेंगे एक ड्रॉ, सपोर्ट ट्रिम कर देना है। अभी हमारा जो हाइट है इसका 118 इंच का हाइट है, सीलिंग हाइट। ऊपर से हम लोगों को 4 इंची का ले लेते हैं हमारा कंक्रीट, और 8 इंची का हम लोग ले लेते हैं सीलिंग, ट्रिम कर लेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन
कलर आप चेंज कर सकते हो, मेरा वाइट डिफ़ॉल्ट ये कलर है, इसको मैं रखना चाहता हूँ रेड, वॉल के लिए मैं रेड ले लेता हूँ। थोड़ा इसको ट्रिम करेंगे सीलिंग को। हाँ, आप चाहो तो ऊपर में हैचिंग भी लगा सकते हो कंक्रीट वाला, तो दिखने में ड्राइंग आपका और अच्छा लगेगा। इसको मैं ब्लैक में रखना चाहता हूँ, ब्लैक बिल्कुल ठीक है। अभी मैं लाइन से भी काम कर सकता हूँ क्योंकि हमारा यहाँ पे एल शेप का काउंटर है, तो ये वाला इधर आ जाएगा। एंड हमारा जो हाइट है काउंटर का वो है 32 इंचेस का रखेंगे। और इसमें कलर हम लोग इसको वॉल का कलर नहीं रखेंगे, हम लोग इसमें ले लेते हैं, ये कलर पे काम करेंगे। ऑफसेट करेंगे 1.5 इंची या फिर 2 इंची रख लेते इस कटिंग के लिए, 2 इंची ठीक है ऑफसेट। और ऊपर से भी हम लोग 1.5 का रख लेंगे ग्रेनाइट। इस वीडियो में आपको हर एक डिटेल मिलेगा, कितना ग्रेनाइट का साइज़ होता है, कितना स्कर्टिंग रहने से अच्छा था। बेसिकली हम लोग 1.5 रखते हैं, लेकिन किचन के लिए 2 इंच ही काफ़ी है, अच्छा है, क्योंकि इधर पे पानी वानी सब रहता है, अगर कभी तो प्रॉब्लम नहीं होगा 2 इंची। अगर अगर घर में आप करते हो वार्डरोब, उस समय हम लोग 1.5 इंची में भी काम हो जाता है, बट किचन के लिए 2 इंच सफिशियंट है। एंड फिर इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, इसको डिलीट, इसका हाइट फुल जाएगा क्योंकि इधर पे हमारा एल बन गया, ये घूम गया, तो इधर पे हमारा क्रॉस हो जाएगा, मतलब इधर पे कुछ भी हम लोग करेंगे नहीं, तो इसको एक्स करेंगे। एंड ये कलर को भी मेरे को ये नहीं रखना है, ये फर्नीचर कलर हो जाएगा, तो मैं इसको मैच प्रॉपर्टी से मैच कर लेता हूँ। एंड देन ट्रिम। एंड हमारा अभी ऑनलाइन क्लासेस भी चालू है, अगर किसी को एडमिशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, तो उसमें आप डिटेल में सब कुछ सीख पाओगे। ऑटो गाइड का क्लासेस, मैक्स है, वीरे है, फोटोशॉप, इंटीरियर का सारा सॉफ्टवेयर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं बहुत ही कम प्राइसेस में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके सब प्राइस चेक कर सकते हो कोर्स फीस के। तो ये हमारा हो गया किचन का। अब हमारे पास एक एरिया आ गया था, हम लोग यहाँ से कितना पे क्या रखेंगे, हमारा बास्केट कितना होगा, हमारा टॉल यूनिट कितना, हमारा बास्केट कितना होगा, इस पर हम लोग कितना बास्केट रखेंगे, कितना हमारा बॉटल पुल आउट होगा, या कैबिनेट कितना होगा, पल्ला कितना रखना है, हम लोग इसके अंदर में काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे रख लेना है, यहाँ से ले लेंगे ऑफसेट 15 इंची का एक पल्ला दे देते हैं। और गैस के लिए मेरे को चाहिए 17 इंची का जगह, लेकिन नहीं, इस को मैं रखता हूँ ऑफसेट 17 इंची, गैस के लिए ऑफसेट 28 इंची रखेंगे हम लोग इसका ड्वायर। और ऑफसेट अब हमारे पास कितना एरिया है देख लेता हूँ, क्योंकि इसमें आपको ये आपके पास है छत 39 है, अगर इसमें आप ले लेते हो बॉटल पुल आउट दे सकते हैं यहाँ पे, वो दे देते हैं हम लोग 9 इंच का। अब कितना एरिया है देख लेता हूँ, ये 2.5 फीट है, तो 15 15 30, इसमें 2 पल्ला आराम से आ जाएगा। तो दोस्तों आप लोग कैलकुलेशन भी सीख सकते हो, कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग कितना साइज़ का ट्रॉली आता है, बॉटल पुल का साइज़ कितना होता है, आप सब कुछ सीख सकते हो क्लासेस के अंदर में। तो ये हम लोग बेसिक सिखाए कि हमारा इतना साइज़ का बनता है। अगर आप बड़ा किचन का अगर कमेंट करते हो तो मैं काफ़ी बड़ा किचन, आइलैंड किचन सिखा सकता हूँ, उसका प्लान, एलिवेशन, सेक्शन सब करूँगा, तो अभी के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ आपको समझने मिलेगा। तो ये देखिए हमारा यहाँ थाली के लिए आ जाएगा, इधर से मैं ले लेता हूँ लगभग 8 इंची, ये भी 8 इंची का ले लेता हूँ, ये हो गया। तो ये देखो कितना सिंपली, और ये अगर एलिवेशन करके दोगे तो क्या होगा कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर या मिस्त्री जो लोग हैं वो बहुत इजी तरीके से आपके मेजरमेंट के थ्रू सारा चीज़ काम कर सकता है। अभी हम लोग चले जाएंगे इसका अपर कैबिनेट पे, तो ऑफसेट करेंगे हम लोग 2 फीट का, 2 फीट का हमारा हाइट होता है बेसिकली। और इसका अपर में हम लोग बनाएंगे अपर कैबिनेट, वो भी देंगे हम लोग 2 फीट का, बाकी जो बन गया हमारा टॉप वाला हो जाएगा। तो इसमें हम लोग कहाँ रखना है, चिमनी रखना है। तो चिमनी के लिए सबसे पहले तो मेरे को इसका मिड पार्ट ले लेता हूँ, मतलब मिडिल में एक
मिडिल कैसे आएगा, ये भी क्वेश्चंस बहुत सारे लोग पूछे हैं कि सर किसी लाइन का अगर मेरे को मिड पॉइंट निकालना है तो कैसे निकालना। बहुत ही इजी है, बस लाइन को जाना है, माउस को बस हल्का हल्का आपको ड्रैग करना है। ये देखिए ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट यहाँ पे दिख जाएगा, ट्रायंगल का शेप में रहता है। ये शेप आते ही आप आँख बंद करके देख पाओगे कि ये आपका मिड पॉइंट है। इसमें क्लिक कर देना है और इसको ऊपर की तरफ दे देना है। अभी हम लोग को यहाँ मिड पॉइंट से चिमनी निकालना है, तो बेसिकली 3 फीट 32 इंच का रहता है, तो मैं ले लेता हूँ ऑफसेट 16 इंची का। इधर से ऑफसेट करेंगे और इधर से ये हमारा चिमनी का स्पेस हो गया, तो इसको हम लोग ट्रिम कर देंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन्स ना आ जाए। ये ट्रिम हो गया, यहाँ पे हमारा चिमनी बैठेगा। इसके बाद हमारा ये जो एरिया है इधर पे हम लोग को डिज़ाइन कर सकते हैं कैबिनेट्स का। हम लोग लिफ्ट अप दे सकते हैं, या फिर हम लोग ग्लास का पार्टीशन, या ग्लास का हम लोग ये बना सकते हैं इसका ड्वेयर पल्ला। तो हमारे पास इसका हाफ है तो 3 फीट 2 इंची का है, तो मैं इसमें सोच रहा था करने के लिए इधर पे हमारा ग्लास का ये लिफ्ट अप रहेगा। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, इस पर जस्ट एक लाइन ड्रॉ करके और एक ले लेना आप इधर से बॉक्स, ताकि आपको ऑफसेट करने में इजली रहे। तो ऑफसेट करने से आपको इसके अंदर में एक ग्लास का जो हमारा मेटल रहता है, ब्लैक का जो पट्टी बनेगा, ग्लास का नहीं आपका मेटल का रहता है, तो मैं ले लेता हूँ 1.5। इसमें आप हैंडल्स लास्ट में लगाएंगे, एंड इसमें हम लोग बना सकते हैं कैबिनेट्स, तो अच्छा लगेगा पल्ला। इसमें हम लोग, अच्छा ये एरिया है आपका 3 फीट 2 इंची, तो इसमें हम लोग देंगे, सोच रहा हूँ कि मसाला रखने के लिए ऑफसेट 6 इंची का एक ग्लास रहेगा इसके अंदर में, 6 या 8 ले लेता हूँ, 1 सेकेंड, ऑफसेट 8। इसके बाद हम लोग फिर से एक लेंगे बॉक्स और ऑफसेट करेंगे 1.5, और ये ऊपर का हम लोग कर देंगे डिवाइड। अभी हम लोगों को ऊपर का बनाना है, तो हम लोग को इसका अलाइन से काम करना है, तो इसमें एक्सटेंड कर सकते या फिर लाइन से भी कर लो तो इजीली होगा। इधर पे भी सेम, चिमनी के भी पास सेम। अभी हम लोग चिमनी का भी बना सकते हैं मॉडलिंग, ताकि देखने में अच्छा लगे। तो इसको मैं इस तरीके से लेके, आपको बहुत सारा मॉडल्स मिल जाएगा गूगल से, आप वहाँ से भी ले सकते हो चिमनी का मॉडल्स, नहीं तो फिर सिंपली बना सकते हो चिमनी। कलर थोड़ा चेंज कर देंगे ताकि दिखने में समझ में आए। अभी हम लोग इसमें मेज़रमेंट सारा करेंगे, हम लोग का हाइट कितना रखे हैं, ताकि जब इसको हम लोग प्रिंट आउट करेंगे या फिर इसको प्रिंट करके कहीं किसी को अगर सबमिट करना है, तो इसमें साइज़ रहना बहुत ज़रूरी है। तो साइज़ का मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ डाइमेंशंस, ताकि प्रॉपर दिखे। तो हम लोगों का ये, आपको सिर्फ हाइट रखना है, कितना हमारा पल्ला है, कैबिनेट्स कितना कितना है, वो आप इसमें दिखा सकते हो, और बाकी इसका पूरा देने का ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं सबका निकाल लेता हूँ, कितना बाई कितना का है, पूरा डिटेल देना है आपको इसके अंदर में, ताकि इसका एलिवेशन देख के आपका काम होगा। एंड इसमें हम लोग देंगे अब हैचिंग, क्योंकि इसका पीछे में हम लोगों को रखना है टाइल्स देना है, तो हैचिंग हमारे पास है इधर पे, और इसमें हम लोग रखेंगे हैचिंग के अंदर में इस टाइप का ब्रिक्स दे सकते हो, या और भी बहुत सारे पैटर्न है वो आप यूज़ कर सकते हो। ये भी ले लेता हूँ, ये दे सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ चाहो तो इस पैटर्न का आप साइज भी मेंटेन कर सकते हो। अगर इसमें इसको कम करना 1.5 करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, 0.5, 3 ज़्यादा बड़ा हो गया, 0.05 काफ़ी छोटा हो गया, 0.05
थ्री, हाँ ठीक है, नहीं 0.4 करता हूँ, ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है चलेगा। कलर चेंज कर सकते हो, इसमें हम लोग कलर रख देंगे हल्का, एंड सबका हैंडल्स बना सकते हैं हम लोग, रैंडमली बना सकते हो इधर से। इसको हम लोग करेंगे मिरर, बेसिकली हैंडल्स हम लोग रखते हैं, कोई कोई भी हैंडल लेस होता है, जी प्रोफाइल होता है, बट समझने के लिए हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन अगर जैसा क्लाइंट का डिमांड रहे जी प्रोफाइल का, तो जी प्रोफाइल भी बना सकते हो इसके अंदर में हैंडल्स। वो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, आपको वो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओह, इसको हम लोग को रखना है कहाँ पे, कॉपी लेना है यहाँ से रखना है, तब क्या होगा प्रॉपरली हम लोग का एग्जैक्ट पॉइंट पे आ जाएगा। ये देखो अभी मेज़रमेंट डिलीट कर देता हूँ, ऊपर देने का ज़रूरत नहीं है, नीचे काफ़ी है। तो इस तरीके से आप पूरा एलिवेशन कर सकते हैं। ये देखिए मैं पूरा एक साइड का पूरा मैं बना दिया किस तरीके से, और इधर का जो पार्ट है ये मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, आपको इसका जो प्लान है और इसका एलिवेशन है, आपको ये डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल ड्राइव के अंदर मेरा मिल जाएगा, मैं वो लिंक भी भेज दूंगा, तो आप इसके प्रैक्टिस करके मेरे को आप दिखा सकते हो। इसके बाद हम लोग इसका 3D स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका 3D शुरू करेंगे, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे 3ds Max में हम लोग इसके अंदर में कैसे काम करते हैं, कैसे हमारा 3D बनता है, मटेरियल कैसे पेस्ट करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन कैसे इसके अंदर में देंगे, लाइटिंग का पार्ट कैसे हम लोग लगाते हैं, पूरा हम लोग इसमें काम करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए जल्दी से होमवर्क है ये, आप लोग मुझे करके मेरे एक व्हाट्सअप में भी कर सकते हो और मुझे दिखा सकते हो, और कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, एंड दोस्तों प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए, और मुझे सब्सक्राइब करिए और लाइक करें। थैंक यू।